दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी में। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जैसा कि विगत अतिथि शिक्षक परेशान मध्य प्रदेश में, दोस्तों आदेश नहीं आ रहा है अतिथि शिक्षकों की भर्ती का। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, पोर्टल में उलझ चुके हैं पूर्ण रूप से, चक्रव्यूह जैसे पोर्टल में उलझ चुके हैं दोस्तों। तो इस तरह का चक्रव्यूह अतिथि शिक्षकों के साथ में रचा गया है, ना तो उनकी भर्ती का आदेश आ रहा है दोस्तों। और जहां तक मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का सवाल है, बहुत से कमेंट्स मेरे पास में आ रहे हैं न्यू अतिथि शिक्षकों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है। और जब कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं दोस्तों, तो नॉलेज नहीं होता है, तो उन लोग ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, सर ये बताइएगा कि हमारे पास में स्कोर कार्ड है, अब हमें आगे की प्रोसेसिंग क्या करना है। तो मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं कि अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा और भर्ती का आदेश आएगा तो आपको स्कूल में करना है आवेदन। और इस समय पे जो तीन आदेश लोक शिक्षण संचालनालय के बड़े बड़े आए हुए हैं दोस्तों, उनमें अतिथि शिक्षकों की जिक्र की गई है। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जिक्र में प्रशिक्षण के लिए कहा गया है, लेकिन यार ये तो पता नहीं चल रहा कि प्रशिक्षण अभी अतिथि शिक्षकों को रिमूव कर दिया है GFMS पोर्टल से, तो अभी तो अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं है, तो प्रशिक्षण किसका हो रहा है? क्या पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए ही सरकार रख रही है? दिल्ली में तो दोस्तों आदेश ऐसा आ चुका है कि जो अतिथि शिक्षकों ने 30 जून के बाद में जो सेवाएं समाप्त, इसके बाद में फिर से उनको 25 जून को सेवाएं समाप्त करके फिर से उनको ही रख लिया जाएगा। यानी उनका वेतन भी अच्छा मिलता है, उनकी सारी चीज़ें अच्छी हैं दोस्तों, लेकिन मध्य प्रदेश में पूरी स्थिति बिगड़ी हुई है। हर साल नए अतिथि शिक्षक रखना, पुरानों को हटा देना, फिर नए रख लेना, ये खेल मध्य प्रदेश में चलता रहता है। लेकिन मैं सरकार से मांग यही कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बहुत ट्वीट कर रहा हूँ, आप लोग भी ट्वीट कीजिएगा, अतिथि शिक्षकों का पद स्थायी हो जाना चाहिए दोस्तों। भले ही शिक्षक पात्रता परीक्षा वाले जो परीक्षा पास हैं पहले उनकी भर्ती हो जाए, इसके बाद में जो बचे हुए पद हैं वहाँ पर जो परीक्षा पास अतिथि शिक्षक हैं वो तो हकदार बनते हैं, तो इसलिए मेरा यही कहना है। दूसरी बात, बहुत से भाइयों की AKYC नहीं हो रही है, वो भी परेशान हैं कि सर बताइएगा AKYC क्यों नहीं हो रही है, मोबाइल नंबर चेंज करवा लिया है और ऑलरेडी दूसरे नंबर पर EKYC बता रहा है। तो इसके लिए आपको DPI के लिए मेल करें, और अगर मेल से आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आप DPI ऑफिस भोपाल में जाकर वहां पर फिर आवेदन, आपको जो मोबाइल नंबर की प्रोसेस है वही AKYC की है दोस्तों, वही का वही आपको करना है। इसके बाद में बहुत से भाई बोल रहे हैं क्या अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि हो सकती है? जी बिल्कुल, वृद्धि इस बार होगी दोस्तों, और देखते हैं कितनी होती है, अभी ये कहा नहीं जाता दोस्तों, लेकिन आदेश आने के बाद में ये क्लियर हो जाएगा कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय कितना बढ़ रहा है। दूसरी बात, कई भाई, एक भाई कमेंट्स कर रहे थे, सर आप को कुछ पता नहीं रहता डॉक्यूमेंट्स स्कैन कैसे होते हैं? तो यार स्कैन का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं, स्कैन का मतलब या तो आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच के भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप ही बताइए आपके पास में जो प्रूफ है, आपने जो डिग्री की है, अगर GFMS पोर्टल पर आप उसको नहीं डायरेक्ट, आप मन से तो कुछ भी बोल सकते हैं, मन से बनाकर कुछ भी कह सकते हैं, और उस पर अगर आपका स्कोर कार्ड बन जाएगा, बाद में कुछ फर्जीवाड़ा या कुछ इनकी प्रोसेसिंग होती है या कुछ नियमितीकरण या कुछ होता है आगे, तो उन लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है जिनके स्कैन नहीं है, लेकिन जो नहीं है कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान रखना, अगर आप डबल से कोई भी मार्कशीट अगर पोर्टल पर चढ़वाते हैं तो स्कैन करना अनिवार्य होता है दोस्तों। मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी मेरी मार्कशीट हैं, चाहे वो 10th की हो 12th की हो, सारी स्कैन करवाने के बाद में GFMS पोर्टल पर उनकी योग्यता डाली है, उनके प्राप्तांक डाले हैं, और उन मार्कशीट भी आप देख सकते हैं आपके GFMS पोर्टल पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डले हुए हैं, तो प्रोफाइल में अगर सही डले हुए हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और अगर कुछ दिक्कत है और आप अगर
अतिथि शिक्षकों की धांधली आपको पता है। एक अतिथि शिक्षक ने चार जगह से वेतन ली थी, इसलिए ऑनलाइन पद्धति को यूज किया गया है और फर्जीवाड़ा। और कल एक आदेश आया था, उसमें यह बताया गया था कि प्रधान अध्यापक अपने मन से अतिथि शिक्षक को रख लेता है, जिसके स्कोर कार्ड में कम नंबर है वो अतिथि शिक्षक की नौकरी कर रहा है और जिसके ज़्यादा नंबर है वो स्कूलों में आवेदन करता फिर रहा है। तो ये प्रोसेसिंग मध्य प्रदेश की, तो इसलिए उसमें यह कहा गया था आदेश में कि नियम अनुसार होगी अतिथि शिक्षकों की भर्ती। तो लाइव स्ट्रीम आज तो नहीं कर पाए, लेकिन जल्दी ही दो आदेश और हैं दोस्तों। एक तो अध्यापकों के वेतन को लेकर आदेश आया है, वो भी मैं डालूँगा। और एक भाई कह रहे थे सर इसमें अतिथि शिक्षकों की, तो भाइयों एक एजुकेशन चैनल है, शिक्षकों की जानकारी भी अपलोड होती है, अतिथि शिक्षकों की भी होती है, जो एजुकेशनल वीडियो हैं वो मेरे चैनल पर अपलोड होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अतिथि शिक्षकों का हर वीडियो में हर आदेश में नाम हो। जो अतिथि शिक्षकों की वीडियो होती है, तो आज जिनसे अतिथि शिक्षकों की है तो उससे रिलेटेड जानकारी मैं दे रहा हूँ। इसके बाद में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट कीजिएगा, अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो थैंक्स पर ओके कीजिए, और अगर आप मेरे मेंबर्स बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिएगा। अब उससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। लाइव चैट होगी, वीडियो चैट होगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं, और अगर मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा तो उन लोगों के पास में ही जाएगी जिन्होंने मेरे ज्वाइन बटन को क्लिक किया है दोस्तों। ओनली मैं वो मेंबर्स जिन्होंने चैनल को ज्वाइन बटन पर क्लिक किया है वो ही लाइव स्ट्रीम का फ़ायदा ले सकते हैं, यानी उतने ही लोगों से लाइव स्ट्रीम में कर सकता हूँ। तो इसलिए आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, एक बार ज्वाइन करना है, इसके बाद में आपको नहीं करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।